वेलकम बैक। एक बार फिर आप सारे नूं फतेह टीवी दे प्रोग्राम सिख यूथ विच जी आया आखते हैं। साढ़े नाल स्टूडियो दे विच ने हर्षप्रीत कौर। सो हर्षप्रीत कौर जी, जिदा कि असी अपने ऑडियंस नूं प्रोमिस किया सी ब्रेक ते जाण तों पहलां कि ब्रेक तो आन तो बाद असी तुहाडे कोलों कोई भी तुहाडी लिखी हुई पोएट्री जो है फेवरेट जो भी तुहानूं अच्छी लगी तुसी शेयर करोगे। सो आई रिक्वेस्ट कि तुसी साडे ऑडियंस दे नाल कोई पोएट्री अपनी शेयर करो। हाँ जी, डेफिनेटली तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी दी गल असी थोड़ी देर पहले कर रहे सी कि ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, अ ग्रेट पोएट। तो मैनू लगता उन्होंने साडे लिए सरबंस अपना वार दिता, तो असी उन्होंने रिटर्न दे विच शायद कुछ भी नहीं दे पा रहे। तो मेरी जो अज पोएम है वह मेरी परसनल फेवरेट है, तो मैनू बहुत चंगी लगती है। क्यों? क्योंकि वह मेरे गुरु बारे है। सो अज दे जिहड़े माहौल, जिहड़ा अज दा माहौल है, उस बारे मैं जो है कुछ लाइना कोट लिखण दी कोशिश कीती है, ताँ कि जो मैसेज मैं देना चाहती हाँ यूथ नूं कि सिक्खी स्वरूप किन्ना इंपॉर्टेंट है, किन्ना साडी लाइफ दे विच उसकी वैल्यू है, उस दे बारे एक पोएम है जी। सो इदां है जी। भेजिया सी आप पिता नूं शहीदी देण लई, भेजिया सी आप पिता नूं शहीदी देण लई, जदों कश्मीर दे हर पंडित की अख चो रत चोई सी। क्योंकि सानू पता है कि गुरु तेग बहादुर जी को जदों कश्मीरी पंडित आए, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा भी तुहाडे तो वड्डा सुरबीर होर कोई नहीं हो सकता, तुसीं अपनी शहीदी जाके दिओ। सो भेजिया सी आप पिता नूं शहीदी देण लई, जदों कश्मीर दे हर पंडित की अख चो रत चोई सी। गुरु तेग ते तेग जद वार कीता, गुरु तेग ते तेग जद वार कीता, चांदनी चौंक विच उदों हर अख रोई सी। चमकौर दी गड़ी विच सीने ते तीर खा के, लासानी शहीदी जद अजीत ते जुझार पा गए। जोरावर ते फतेह सिंह जद विच नीहां चिणके, जान दे के सिखी बूटा हमेशा नहीं ला गए। इन पुत्रन के सीस ते वार दिए सुतचार, कह के पुत्र बनाया सी गुरु गोबिंद सिंह ने। इन पुत्रन के सीस ते वार दिए सुतचार, कह के अपना पुत्र बनाया सी गुरु गोबिंद सिंह ने। हंजू एक भी नैणा चो डिगया ना, हंजू एक भी नैणा चो डिगया ना, सब कुछ गवा के भी शुक्र मनाया सी गुरु गोबिंद सिंह ने। रो प्या है अज लेकिन गुरु गोबिंद मेरा, रो प्या है अज लेकिन गुरु गोबिंद मेरा, वेख के वे मॉडर्न सिखा पतित रूप तेरा। रहत प्यारी मुझको गुरु दा हुकुम पिला के, रहत प्यारी मुझको गुरु दा हुकुम पिला के, क्योंकि तू पेड़ बन गया है ओए गुरु दया शेरा। किवें दुनिया दे लोकां नूं दसीए, ओ किवें दुनिया दे लोकां नूं दसीए, कि सिखी की है जद अपने ही बच्चियां ने विरसा अपना विसार दिता। किवें दसीए कि गुरु गोबिंद सिंह ने, किवें दसीए कि गुरु गोबिंद सिंह ने साढ़े पिछे सारा सरबंस सी वार दिता। अज भी दसम पिता पुकार के कह रहे ने, अज भी दसम पिता पुकार के कह रहे ने, हले भी कुछ बिगड़िया नहीं, संभल जा मेरे आशेरा, संभाल लै ये सिखी दी दात, संभाल लै ये सिखी दी दात, फिर फोटोआं विच नहीं, फिर मेरी फोटोआं विच नहीं, तैनू अपने आप विचों दर्शन होएगा तैनू मेरा। आत्मा ग्रंथ ते शरीर है पंथ अंदर, आत्मा ग्रंथ ते शरीर है पंथ अंदर, गुरु पातशाह सानू इहीओ ही तां कहिंदे ने, मन मत छड जो गुरु दी मत लैंदे, मन मत छड जो गुरु दी मत लैंदे, जग ते नाम उहनां दे ही रहिंदे ने, जग ते नाम उहनां दे ही रहिंदे ने। वेरी नाइस। सो कुछ कंक्लूजन तुहाडे वल्लों जो तुसीं करना चाहोगे, जस्ट इन सिंपल वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स। गुरु साहब जी, मैनू लगता है गुरु साहब जी ने सानू साढ़े पिछे सारी फैमिली, सारा सरबंस, फैमिली बहुत छोटा वर्ड होएगा, सारा सरबंस अपना वार दिता। तो जे अज दे हालात देखिए, तो बच्चे जिन्हें केसा करके, जिन्हें गुरु साहब जी ने कहा सी केस गुरु की मोर, तो उस चीज़ नू कटवा के फैशनेबल बनना मैनू लगता है किसी भी तरह का जस्टिफाई नहीं करता उन्हां दे एक्शंस नू, कि वह कहते हैं कि असी मॉडर्न बनना चाहते हाँ, अपने रिलिजन नू, अपने टीचिंग्स नू छड़ के किसी तरह की भी मॉडर्निटी नहीं आती। आई थिंक नहीं आती। राइट।